हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ रामदाना लिया है, जिसे हम राजगीरा या फिर अमरनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे कैसे तैयार करते हैं ये बताते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई को पहले अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। जैसे ही कढ़ाई हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसमें एक बड़ी चम्मच रामदाना का सीड्स डालेंगे और इसे चलाएंगे। इसे हमें लगातार चलाना होता है, बहुत ही जल्दी ये फूटने लगता है। इसे में टाइम ही नहीं लगता है, बस 20 से 30 सेकेंड के अंदर ये तैयार हो जाता है। बस ध्यान रखना है कि एक बार में हमें ज़्यादा नहीं डालना होता है, एक बड़ी चम्मच के करीब ही डालना होता है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा डाल करके सारे जो है रामदाना के सीड्स को इस तरह से हम तैयार करके रख लेंगे। तो बहुत ही आसान है बनाना, आप एक बार बना के रख दीजिए और इसे महीने भर आप खा सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है, और ये प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम से भरपूर होती है, ग्लूटेन फ्री है। चलिए अब हम इससे ब्रेकफास्ट की रेसिपी तैयार करते हैं। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो मैं इसे हर दिन लेना पसंद करती हूँ। बहुत ही हेल्दी है और झट से बन भी जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप पफ्ड रामदाना लिया है, तो हमने इसे एक बाउल में डाल दिया है। अब इसी वाले बाउल में मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के पके हुए केला लिया है, उसे अच्छे से मैश कर लिया और इसे डालेंगे। इसके जगह पे आप यहाँ पे बारीक काट के एप्पल भी ले सकते हैं, लेकिन केला के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच के करीब डाला है, जिसमें अखरोट और बादाम है। आप काजू, किशमिश भी डाल सकते हैं, आप छुहारा भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम दूध डालेंगे, तो दूध जो है वो गुनगुना है, और आप कोई भी दूध ले सकते हैं। आप नारियल का दूध ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, कोई भी दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ टोटल दूध जो है 1 कप और 1/4 कप लिया है। अब इसे जो है हम अच्छी तरह से एक बार मिलाएंगे। जिन लोगों को पाचन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ये बहुत ही फायदा करता है। अगर आप इसे डेली 1 महीने तक लेते हैं, तो ये बहुत ही आपको फायदा पहुँचाता है। साथ ही जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अब इसमें हम स्वाद के अनुसार थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसके बिना भी बना करके खा सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे केला डाला है, तो उसकी भी अपनी एक मिठास होती है। तो यहाँ पे गुड़ और चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इससे हल्का सा मीठा लगता है, तो अच्छा लगता है। अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, तो थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला के ज़रूर दें, जिससे कि बच्चे इसे प्यार से खा सके। तो ये नाश्ता जो है बन के झट से तैयार हो जाती है। हमारे यहाँ नवरात्रि में इसे खूब खाया जाता है। आप इसे अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, घर में छोटे से बड़े बुजुर्ग सभी को बना दे के दे सकते हैं। सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है। अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो गार्निश करने के लिए जो है मैंने इस पर थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट्स डाला है, तो आप अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। साथ ही आपके पास अगर अनार के दाने हैं, तो आप उससे भी इसे सजा सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए और ज़रूर अपने आहार में इसे शामिल कीजिए। चाहे व्रत का टाइम हो या फिर आप ऐसे भी ब्रेकफास्ट में लेना चाहते हो, आप इसे अपने टिफ़िन बॉक्स में भी बना के लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और बहुत ही डिलीशियस होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और जितनी ये टेस्टी होती है, उतनी भी हेल्दी भी होती है ये। तो आप सभी को यदि यह मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। खुश रहें फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें। थैंक यू।